अग्निपथ योजना के विरोध में 9 राज्यों में बवाल, एक दर्जन ट्रेनें फूंकी गई, 3 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द। अग्निपथ पर गृह मंत्री ने कहा सरकार को युवाओं की चिंता, रक्षा मंत्री की अपील, युवा करें भर्ती की तैयारी। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि 24 जून से शुरू हो जाएगी भर्ती प्रक्रिया। अग्निपथ पर ओबीसी का मोदी सरकार पर हमला, गिरिराज सिंह का पलटवार, सियासी लाभ के लिए छात्रों को बनाया जा रहा मोहरा, बिहार में आरजेडी के गुंडे कर रहे हैं बवाल। यूपी में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, का हालात पर रखी जा रही है कड़ी नजर, युवाओं को योजना के बारे में समझाया जा रहा। अग्निपथ योजना पर योगी सरकार का चूंकि बड़ा फैसला, सरकार ने भी छात्रों को प्राथमिकता देने की बात कही, उधर केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, इस साल भर्ती के लिए सरकार ने बढ़ाई उम्र सीमा, 23 साल तक के युवा कर सकेंगे आवेदन। कानपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की साजिश का खुलासा, व्हाट्सएप ग्रुप पर रची जा रही हिंसा की साजिश, व्हाट्सएप पर चैटिंग का स्क्रीनशॉट वायरल, चैट में विरोध के नाम पर चौकी जलाने की साजिश। मथुरा में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पथराव में कई लोगों को चोट आई, जाम में फंसे वाहन सवार भी घायल, दर्जनों की संख्या में गाड़ियों के शीशे टूटे। अलीगढ़ में टप्पल में यमुना एक्सप्रेस हाईवे इंटरचेंज पर अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पीएसी कर्मी को घेरकर जमकर पीटा, आगजनी के बाद पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अग्निपथ पर ओबीसी का मोदी सरकार पर हमला, गिरिराज सिंह का पलटवार, सियासी लाभ के लिए छात्रों को बनाया जा रहा है मोहरा, बिहार में आरजेडी के गुंडे कर रहे हैं बवाल। ग्रेटर नोएडा में अग्निवीर योजना को लेकर छात्रों का बवाल, यमुना एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, नोकझोंक के बीच पथराव की खबर। ग्रेटर नोएडा में अग्निवीर योजना पर बवाल को लेकर यमुना एक्सप्रेस वे बंद किया गया, परी चौक से आगरा के लिए एंट्री बंद, जेवर में लगे जाम के चलते बंद की गई एंट्री। यूपी के अलीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने बवाल काटा, हाईवे पर यूपी रोडवेज की बस को फूंका, जमकर तोड़फोड़। यूपी के मथुरा में प्रदर्शनकारियों पर सख्त पुलिस, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस से दागे आंसू गैस की गोली। यूपी के मथुरा में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। मथुरा में पत्थरबाजों से बच्चे और महिला को बचाया गया, पुलिस ने बचाव के लिए बनाया सुरक्षा घेरा, प्रदर्शनकारियों के बीच फंस गए थे महिला और बच्चा। मथुरा में नेशनल हाईवे पर लगी रेलिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा, बस पर पथराव किया, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। वाराणसी में भी प्रदर्शनकारियों ने बवाल मचाया, प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ की, सड़क पर जाम लगाया। वाराणसी में प्रदर्शनकारियों ने बस स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक बसों में तोड़फोड़ की, छात्रों ने पैदल मार्च निकाला, जमकर नारेबाजी। यूपी के बलिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, बलिया रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बलिया स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की, ट्रेन में उपद्रवियों ने पथराव किया। यूपी के बलिया में छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी भागे। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल, शहर में चारों तरफ लंबा जाम लग गया, किसी तरह छात्रों को समझा बुझाकर रास्ते को खुलवाया गया। प्रदर्शनकारियों ने बलिया में हंगामा किया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़े। उधम सिंह नगर के बादपुर में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, मारपीट में एक ही मौत, दो घायल, टांडा बंजारा में जमीन पर लकड़ी रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। औरैया के अचलदा स्टेशन पर अग्निपथ धरना प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर धरना प्रदर्शन का प्लान चौपट, पुलिस ने दो को हिरासत में लिया। जालौर में दिखा अमन शांति का पैगाम, सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के हाथों में नमाजियों ने जुमे की नमाज के बाद गुलाब दिए। अमेठी में सैकड़ों युवकों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया, अग्निपथ योजना वापस लो के नारे लगाए, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। कुशीनगर में अग्निपथ के विरोध में रेलवे ट्रैक पर उतरे छात्र, छपरा से आ रही पैसेंजर ट्रेन को रोका, रेलवे ट्रैक पर उतरकर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। देवरिया में बेरोजगार युवाओं का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गोरखपुर में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। महाराजगंज में अग्निपथ के विरोध में युवाओं का प्रदर्शन, डीएम और एसपी ने समझा बुझाकर युवाओं को घर भेजा। बिहार के दरभंगा में सड़क पर बवाल के चलते फंसे बच्चे, पथराव के बीच स्कूल बस में फंस गए छात्र, पथराव देखकर रोने लगे स्कूली छात्र। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ शहर शहर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी, बिहार में प्रदर्शनकारियों ने 11 ट्रेनें फूंकी।
बिहार के दानापुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन फूंकी। प्रदर्शनकारियों ने दानापुर फरक्का एक्सप्रेस में आग लगा दी। बिहार के सासाराम में छात्रों का उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का टोल प्लाजा पर गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा में आग लगा दी। बिहार के औरैया में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने बसों में आग लगा दी। बीच सड़क पर धू धू कर जली बसें। बिहार के बेतिया में लोरिया बीजेपी विधायक पर बिहारी पर हमला। विधायक की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। बिहार के बेगूसराय में छात्रों का प्रदर्शन। आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चलाई। छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। बिहार के बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम के पैतृक घर पर पथराव किया। अग्निपथ योजना के विरोध में सुपौल में भी आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने सहरसा सुपौल पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने घर को जलाने की कोशिश की। संजय जायसवाल के घर पर फायरिंग की खबर। बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। बिहार के नवादा में उपद्रव करने के आरोप में 35 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। परिजनों ने थाने पहुंचकर छोड़ देने की गुहार लगाई। बिहार में अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भी उग्र प्रदर्शन जारी। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। सेना में नई भर्ती को लेकर बवाल। समस्तीपुर में जम्मू तवी गुवाहाटी ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन की 3 बोगियां जलकर खाक। बिहार के लखीसराय में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर आगजनी कर रेलवे सेवा को बाधित करने की कोशिश की। बिहार के बक्सर में सेना की नई भर्ती योजना के विरोध में हंगामा। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टायरों में आग लगा दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ भोजपुर जिले के बिहिया में बवाल। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे के सिग्नल रूम में आग लगा दी। ट्रेन की आवाजाही रोकी। बिहार के सिवान में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र प्रदर्शन। सिवान जंक्शन पर रेल इंजन में आग लगा दी। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बिहार में अलर्ट। रेलवे स्टेशनों समेत तमाम सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अग्निपथ योजना के खिलाफ शहर शहर छात्रों का बवाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर आगजनी की। एमपी के ग्वालियर में उपद्रव पर एक्शन में पुलिस। 3 थानों में उपद्रवियों पर मामले दर्ज। 21 नामजद और 250 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन पर बवाल और आगजनी। इस दौरान आम लोगों के चेहरे पर नजर आया डर। तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राजस्थान के भरतपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध में हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। भरतपुर में उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस सख्त। कई पुलिस के एक्शन के बाद लोग घायल हुए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हरियाणा के नारनौल में प्रदर्शनकारियों ने बसों में तोड़फोड़ की। गली मोहल्लों में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। हरियाणा के पलवल में बवाल के बाद आसपास के जिलों में भारी पुलिस बल की तैनाती। पलवल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। अलर्ट के बीच अदा की गई जुमे की नमाज। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन के जरिए आसमान से रखी गई नजर। पीएसी की 132 और आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात रही। यूपी में जुमे की नमाज पर जारी अलर्ट के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, सभी धर्मगुरुओं से बात हो रही है। पूरे यूपी में अमन शांति। सभी जगहों पर तैनात पुलिस फोर्स। सबसे ज्यादा प्रभावित रहे प्रयागराज में। इस बार सुरक्षा बेहद कड़ी। भारी संख्या में पुलिस पीएसी और पैरा मिलिट्री जवानों की तैनाती। प्रयागराज के संवेदनशील इलाकों में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 4 ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की गई। कानपुर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। 9 कंपनी पीएसी के साथ 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। यूपी में प्रदर्शनकारियों को पुलिस की खास चेतावनी। हिंसा में लिप्त उपद्रवियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। किसी भी हालात से कड़ाई से निपटने के निर्देश। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद से लेकर मैदगंज थाना तक पुलिस का फ्लैग मार्च। आला अधिकारियों के साथ पुलिस ने मार्च किया। लखनऊ में 61 अधि संवेदनशील इलाकों में प्रशासन चौकस। ड्रोन के जरिए इन इलाकों की निगरानी हुई। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। का पैगंबर विवाद में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को देना चाहिए दखल। भविष्य में फिर ना हो ऐसी टिप्पणी। प्रयागराज में अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद को लेकर बड़ा खुलासा। ध्वस्त किया गया जावेद का वैध निर्माण पत्नी के नाम नहीं। जावेद की पत्नी परवीन ने खुद का मकान होने का दावा किया था। कानपुर में बेकनगंज हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से खुलासा। हिंसा भड़काने के लिए चमनगंज में बुलाई गई थी शातिर अपराधियों की पंचायत। पंचायत में शातिरों को पथराव बमबाजी और बवाल के टिप्स दिए गए थे।
कानपुर की बेगनगंज हिंसा मास्टरमाइंड हयात ने सरकार को लगाया लाखों का चूना। 15 संपत्तियों की खरीद में हयात ने की लाखों की स्टाम्प चोरी। एसआईटी जांच में आज जफर आशमी की संपत्तियों का खुलासा। 4 सालों में हयात ने खरीदी 1.25 करोड़ की संपत्ति। जौनपुर में वकीलों ने दारोगा को पीटा। लाइन बाजार थाना क्षेत्र में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता के साथ दारोगा ने बदसलूकी की थी। झांसी की रानी के बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर शौर्य यात्रा निकाली गई। कल 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरिद्वार जिले में भी जुम्मे की नमाज शांति और अमन चैन के साथ संपन्न हुई। यहां के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की तैनाती के अलावा ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी गई। सुल्तानपुर में 3 बदमाशों ने लूट के प्रयास में फेल होने वाले युवक को गोली मार दी। चांदा कोतवाली क्षेत्र का मामला जांच में जुटी है पुलिस। यूपी पुलिस का ऑपरेशन किए जा रही मुरादाबाद में 1 लाख का इनामी गिरफ्तार। तो लखनऊ से 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। रायबरेली में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो की कार पलटी। प्रयागराज से लखनऊ जाते समय हादसा। दुर्घटना में जख्मी होने के बाद पूरा परिवार जिला अस्पताल में भर्ती। बागपत में आरवी दल ने निकाली ली युग जन जागरण रैली। युवतियों ने तलवार और अन्य शस्त्र लेकर रैली में प्रदर्शन किया। चित्रकूट में भरतकूप में पत्थर खनन के नाम पर लाखों का खेल। फर्जी बिल बुक के जरिए लाखों रुपए की लागत लगाई गई चपत। पट्टा धारक ने शिकायत की। पुलिस पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कानपुर देहात में बाइक में भीषण आग लग गई। रेलवे ट्रैक पर धू धू कर जली बाइक। रूरा स्थित रेलवे क्रॉसिंग की घटना। हरिद्वार के लक्सर में लगने वाले सालाना काठापीर मेले में बारबालाओं के झुमके लगने का वीडियो वायरल। लक्सर में पथरी क्षेत्र के जंगल में स्थित पीर पर लगता है मेला। देहरादून विधानसभा में बजट पास। सदन में 3 विधेयक किए गए प्रस्तुत। तीनों विधेयक पास। उत्तराखंड के सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दिल्ली में सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के ठिकाने पर ईडी की रेड। सत्येंद्र जैन को मदद पहुंचाने का आरोप। 6 जून की तलाशी में की गई थी कैश की बरामदगी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राहुल गांधी को 3 दिन की मोहलत दी। अब सोमवार को पूछताछ होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। गलत पार्किंग की फोटो भेजने वाले को मिलेगा 500 रुपए का इनाम। इसके लिए जल्द लाया जाएगा कानून। स्विस बैंकों में बढ़ा भारतीयों का पैसा। 2021 में स्विस बैंक में भारतीयों ने जमा कराए 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपए। 14 साल में सबसे ज्यादा। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है पाकिस्तान। बर्लिन में आज होगा पाकिस्तान की किस्मत का फैसला। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची। अब 233 रुपए होगी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। स्पेन के कैटालोनिया इलाके में जंगलों में आग लग गई। करीब 2,700 एकड़ जंगल जलकर पूरी तरह खाक। आग की वजह से तापमान बढ़ा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सड़कों पर उतरे लोग। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फिर हुए कोरोना संक्रमित। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। यह मार्केट के बीच से गुजरती है ट्रेन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को थाईलैंड का बताया जा रहा है, जहां हर दिन रेलवे ट्रैक पर सब्जी मंडी लगती है और सब्जी मंडी के बीच से ही ट्रेन भी गुजरती है। गर्मी के मौसम को मजेदार बनाने के लिए कई लोग सर्फिंग करने की कोशिश करते हैं। वायरल वीडियो में जैसे लहरें शख्स के पास आती है वो नीचे झुक जाता है और ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरीके से सर्फिंग के दृश्य को फिल्माया गया उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। डॉग्स और उनके मालिक का यह अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉग्स के मालिक ने अपनी बाइक में कुछ खास इंतजाम किए जिसके कारण अब इसके सभी डॉग्स इसके साथ बाइक की सवारी कर सकते हैं। अमेरिका के मोन्टाना में आए बाढ़ का एक भयंकर वीडियो सामने आया है। यहां बाढ़ के पानी में कई घर डूब चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि घर की दीवारें टूट चुकी हैं। सोशल मीडिया पर इस आपदा के ऐसे कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक हाई स्कूल में अचानक एक जंगली भालू के घुसने से हड़कंप। भालू जंगल से सीधे स्कूल पहुंचा और स्कूल के मेन गेट से अंदर चला गया। सोशल मीडिया पर फुटबॉल खेलते इस बुजुर्ग शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ शेयर की गई जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग शख्स की उम्र 64 साल है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हर समय कुछ नया ढूंढते रहते हैं। इसी के चलते अब बंजी जंपिंग करने के एक नए तरीके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।